नमस्कार दोस्तों, यह है सोनालिका DI 35RX सिकंदर सीरीज का HDM हैवी ड्यूटी माइलेज ट्रैक्टर। दोस्तों पहले आप ट्रैक्टर का व्यू देख लीजिए, उसके बाद में पूरी जानकारी देंगे ट्रैक्टर के बारे में, पूरे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों साइड प्रोफाइल में आपको सोनालिका DI 35RX की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, वो भी सिकंदर HDM हैवी ड्यूटी माइलेज के साथ में, और मडगार्ड पे ऑल इमर्स्ड ब्रेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। दोस्तों फ्रंट साइड में आपको सोनालिका का 3D लोगो देखने को मिल जाता है और हैलोजन की हेडलैम्प देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट में वेट लगा हुआ है दोस्तों, और दूसरे साइड से कुछ इस प्रकार का व्यू है। दोस्तों सिंगल पीस बोनट के साथ में ट्रैक्टर है ये, और इंजन की अगर बात की जाए तो 3 सिलेंडर 39 HP का इसका इंजन है दोस्तों, जो कि 2500 CC के साथ में है और 1800 रेटेड RPM पे पूरे 39 HP की पावर ये ट्रैक्टर दे देता है। दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको 167 न्यूटन मीटर का टार्क मिल जाता है, और ड्राई टाइप का एयर क्लीनर आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाएगा दोस्तों। वहीं अगर फ्यूल पंप की बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में आपको माइक्रो बॉस की इनलाइन फ्यूल पंप देखने को मिल जाती है, वाटर सेपरेटर वगैरह आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। दोस्तों अगर गियर बॉक्स की बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में आपको फुली कॉन्स्टेंट में टेक्नोलॉजी का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि साइड शिफ्ट के साथ में है, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला गियर बॉक्स इसमें आपको मिलता है लो हाई के साथ में, ऊंचे फ्लैट प्लेटफार्म के साथ में ट्रैक्टर है। दोस्तों ट्रैक्टर डुअल क्लच के साथ में है और सिंगल क्लच के ऑप्शन में भी आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग की अगर बात की जाए तो यह ट्रैक्टर सादी स्टीयरिंग के साथ में है और आपको पावर स्टीयरिंग भी मिल जाएगी दोस्तों। और फ्रंट वाले एक्सल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। दोस्तों सिंगल पीस बोनट, उसके साथ में ये शॉक एब्जॉर्बर स्ट्रक्चर में आपको मिल जाती है, जिससे बोनट खोलने के बाद सीधा अपने आप ऊपर उठ जाता है, और बैटरी स्ट्रक्चर के बोनट के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। और वहीं ये एयर क्लीनर आपको मिल जाता है ड्राई वाला, कूलेंट रिजर्वायर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये 3 सिलेंडर का इसका इंजन है, कुछ इस प्रकार से अंदर से इंजन का व्यू है आप देख सकते हैं, जो कि हैवी ड्यूटी माइलेज के साथ में है। और यह ट्रैक्टर सादी स्टीयरिंग के साथ में है, और यहाँ पे आपको ये लिफ्ट वाली पंप देखने को मिल जाती है। दोस्तों ब्रेक की अगर बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए ऊपर से आप लोगों को ट्रैक्टर का व्यू दिखा देते हैं। दोस्तों ये ट्रैक्टर का डैशबोर्ड है, जिसमें आपको स्पीड मीटर, डीजल मीटर, ऑयल प्रेशर और बैटरी वाले मीटर देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से कुछ इस प्रकार का ट्रैक्टर का व्यू है दोस्तों। काफ़ी अच्छे तरीके से सीट को डिज़ाइन किया गया है, और बैठने में पूरी कम्फर्ट मिलती है ट्रैक्टर पर, और सीट को आप आगे पीछे अपने वेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए लिफ्ट की, तो इस ट्रैक्टर में आपको लिफ्ट के 2 लीवर मिलते हैं, जिसमें एक ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है और दूसरा पोजीशन कंट्रोल लीवर है, और 1800 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। चलिए चलते हैं पीछे की तरफ और दिखाते हैं पीछे से ट्रैक्टर का व्यू। तो कुछ इस प्रकार से ट्रैक्टर का बैक साइड से व्यू है, जहाँ पे आपको मिल जाता है ट्राली का हुक, जो कि एडजस्टेबल वाला है और हैवी ड्यूटी है। लिफ्ट सेंसिंग के लिए 3 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, और लिफ्ट कैपेसिटी ट्रैक्टर में आपको 1800 KG की मिल जाती है, और साइड में आपको जैक मिल जाती है लिफ्ट पट्टी में। दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल QRC कपलर देखने को मिल जाता है, जिसका यूज़ आप पावर वाली ट्राली पे कर सकते हैं या अन्य
कुछ इम्प्लीमेंट्स में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों रियर एक्सल की अगर बात की जाए तो रियर एक्सल स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रेट वाला देखने को मिल जाता है, जिसमें ग्रीसिंग पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों पीटीओ की अगर बात की जाए तो 540 चक्कर के साथ में पीटीओ स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों पीटीओ एचपी की अगर बात की जाए तो 34 एचपी की पीटीओ पावर स्ट्रक्चर में आपको मिल जाती है, जो कि इस 39 एचपी कैटेगरी के ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और यही यह ट्रैक्टर 1.85 मीटर के जीरो वेटर को अच्छे तरीके से खींच देता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के टायर्स की। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको पीछे के टायर 13/6/28 वाले मिल जाते हैं और आगे वाले टायर 6/16 वाले देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों लास्ट में अगर बात की जाए इस ट्रैक्टर के प्राइस की, कीमत क्या है, दोस्तों ये ट्रैक्टर की जो कीमत है वो 5,60,000 से लेकर 5,90,000 के बीच में आपको पड़ जाएगी। जो टॉप वेरिएंट अगर आप लेना चाहते हैं सोनालिका DI-35 का, जो टॉप वेरिएंट होगा वो आपको 5,90,000 रुपये में पड़ेगा और वहीं बेस वेरिएंट आपको 5,60,000 रुपये में पड़ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ में।